नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। इस वक्त की खबर छतरपुर से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिए गए संबोधनों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यशस्वी भारत नाम की इस पुस्तक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आरएसएस चीफ के द्वारा दिए गए बयानों और उनके भाषणों को संग्रहित किया गया है। शहर के इस विमोचन समारोह में नगर की कई गणमान्य विभूतियां मौजूद रहीं, तो वहीं पुस्तक का विमोचन करने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी यहां पहुंचे। पुस्तक यशस्वी भारत में आरएसएस का दृष्टिकोण है। मोहन भागवत के बयानों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर जो उन्होंने बयान और संबोधन दिए हैं, उसके आधार पर भारत के निर्माण की बात कही गई है। जिन लोगों ने इस पुस्तक को खरीदा, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। आज ये यशस्वी भारत पुस्तक का विमोचन हमारे नंबर वन स्कूल छतरपुर में किया गया है। इस पुस्तक को हमारे देश के यशस्वी भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्वान सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन जी भागवत द्वारा लिखा गया है। इसमें अपने देश में जो विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध प्रकार की भाषाएं हैं, हिंदू धर्म का में कौन कौन से वो हैं, तीर्थ स्थान है, भगवान है वगैरह वगैरह, प्रकृति के बारे में ये सब चीज़ों का समावेश है। ये इतनी ज्ञानवान पुस्तक कि जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा, निश्चित तौर पे वो पूरी तरीके से प्रफुल्लित होगा, मन प्रसन्न होगा और बहुत सारी सीख, बहुत सारे गुण मिलेंगे, जिससे कि उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएँ इस पुस्तक के पढ़ने भर से दूर होंगी। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान पुस्तक का विमोचन संपर्क प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र के द्वारा किया गया, जो कि प्रांत संपर्क टोली से आते हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कृपाशंकर तिवारी ने की, जो कि भारतीय धरोहर झंडेवाला नई दिल्ली में निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विभाग संपर्क प्रमुख डॉक्टर विनोद रावत, जिला प्रमुख पंकज पाठक, नगर संपर्क प्रमुख डॉक्टर सौरभ मिश्र, डॉक्टर दिनेश तिवारी, जिला संघ चालक मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत संपर्क विभाग का एक कार्यक्रम था और संपर्क विभाग 21 फरवरी से ये एक पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि उस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो गया है, तो आज 14 मार्च को यशस्वी भारत नामक एक पुस्तक का विमोचन कराया गया है। और वास्तव में ये जो पुस्तक है, तो परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयों में दिए गए उद्बोधनों का एक संकलन है और यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। और उसमें पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि व्यक्तित्व क्या है और मनुष्य का विकास कैसे हो सकता है, संस्कार कैसे आते हैं। और वास्तव में तो वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, तो उसी संबंध में इस यशस्वी भारत नामक पुस्तक का आज विमोचन था, जिसमें शहर के विभिन्न गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों से मातृशक्ति एवं भाई बंधु सब उपस्थित रहे। आज हमने इस पुस्तक का अध्ययन किया है, यशस्वी भारत। सम्माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के विभिन्न स्थानों पर दिए गए उद्बोधनों को संग्रहित किया गया है। इसमें प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक विषय को छुआ गया है, संघ के विषय भी हैं। इसमें व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं संपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, इसके साथ ही स्त्री के सम्मान के विषय में एक बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए गए हैं। व्यक्ति के निर्माण को और स्त्री सशक्तिकरण को लेकर के अपने विचार जो उन्होंने रखे, वह समाज में ऐसे अप्रतिम स्थान पर प्राप्त करते हैं जो कि हमें अंबेडकर और उनका भारत, समाज को कैसे बदलना है, यशस्वी भारत हमें ये सब चीज़ों का ज्ञान देता है।